वेलकम टू द एपेटाइट सागा। हल्दी डाल रहे हैं, धनिया जीरा पाउडर, खड़ा गुड़ की, तेल, मिर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार। ये वाला मिर्ची बहुत ज्यादा तीखा है। लहसुन अदरक पेस्ट, मिर्चा का पेस्ट नहीं है इसमें, हल्दी का, मिर्चा प्याज डाल, थोड़ा मोटा मोटा काट कर इसको मिलाना अच्छे। तेल डाल रहे हैं, जीरा डाले, एक पत्ता डाले, गोटा लहसुन, गोटा मिर्चा, लाल मिर्चा, दालचीनी, बड़ी इलायची दो, छोटी इलायची तीन, लौंग चार पांच, जावित्री, दाल थोड़ा सा प्याज रखी, अच्छा मम्मी ये सब को कब तक भूनना? थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक, प्याज जब तक हल्का ब्राउन होता है तब तक भूनना। अब तो ये हो गया ना ब्राउन, हल्का 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 और ब्राउन करना है, उसके बाद जाएगा मटन। इसको सेम प्याज गल रहा है धीरे धीरे। अच्छा मम्मी तुम कितने साल से मटन बना रही है? 22 साल से। कौन तुमको मटन बनाना सिखाया? माँ के घर में सीखे, वहाँ लोग बनाते थे तो देखते थे, पापा बनाते थे, माँ तो मेरी बनाती नहीं थी, घर में कोई खाता नहीं था मटन। आए ससुराल तो मेरे ससुर जी बनाते थे, तो उन्हीं को देख के मैं। तो कौन ज्यादा अच्छा मटन बनाता है? घर में भी अच्छा बनता था, ससुर जी अच्छा। सबसे अच्छा कौन बनाता है? बाबा सबसे अच्छा मटन बनाते हैं। इसको और कितने देर करना है? आधा घंटा। आधा घंटा तक सेम आंच पे, फिर ये पूरा पक जाएगा। दिखाओ जरा मटन, प्याज बहुत लोग कुकर में बनाता है, कुकर वाला पसंद नहीं है, लोग डेक्ची में ही बनाते हैं। हम ऐसे आंच पर धीरे धीरे गलेगा, प्याज सब गल जाएगा तो उसको। इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे तो इसको बिगनिंग में नहीं ऐड करना रहता है? नहीं, एकदम एंड में ऐड किया जाता है। एंड में गरम मसाला का गरम ऐड करेंगे, भूजेंगे तब थोड़ा गरम पानी करके डालेंगे मटन में। इसको भूजेंगे अच्छी तरह से, बस गैस तेज करके, तो मटन बन गल गया है, सीज भी गया। देख रही है कितना सुंदर कलर आया है।
भूज के इसको निकाल के गरम पानी डाल के अच्छी तरह से प्याज व्याज सब गल गया है, मसाला भी भूल जा गया, मटन भी सींच गया है। अब इसमें गरम पानी डालेंगे, अपना रसा अपना ग्रेवी अपना रखेंगे, बस हो गया है। पानी गर्म हो रहा है एक तरफ, पानी इसमें गर्म करके ही डालते हैं। ठंडा पानी अगर देंगे तो क्या स्वाद, उसका स्वाद में अंतर आ जाता है। हम पानी ऐड करेंगे, पानी डालकर 10 मिनट खोला के बंद कर देंगे।